सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे फिर से नई वीडियो में। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम सेटिंग को रीसेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड, कभी होता है कि आपका इंस्टाग्राम आपको ज़्यादा दिन हो जाता है, वैसे में आपको इंस्टाग्राम स्लो चलता है और आपको इंस्टाग्राम जो सेटिंग होता है आपको इधर उधर होने के बाद आपको सेटिंग समझ में नहीं आता है, तो वैसे में आप अपने इंस्टाग्राम को सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम सेटिंग रीसेट कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो ये हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। सो जब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं थे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं फिर से कोई नए वीडियो डाउनलोड कर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप इंस्टाग्राम पर आते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो फ्रेंड, इंस्टाग्राम पर कोई आपको सेटिंग रीसेट करने के लिए ऑप्शन नहीं देता है, तो यहाँ से इंस्टाग्राम से कट करेंगे और आपको आएंगे अपने मोबाइल के सेटिंग में, और आपका मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, आपका मोबाइल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया रहता है ऐप के ऐप का ऑप्शन रहता है। जैसे आपको देख सकते हैं मेरा वीवो का फ़ोन है, तो मेरा यहाँ से मोर सेटिंग में दिया है। मोर सेटिंग में मैं क्लिक करता हूँ तो ऐप मैनेजर का ऑप्शन दिया है। तो फ्रेंड, आपको कोई भी फ़ोन हो आपको ऐप मैनेजर का ऑप्शन रहता है, तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन हो जाए। सो फ्रेंड, जितना आपको फ़ोन होगा, एप्लीकेशन होगा, जितना फ़ोन में आपका एप्लीकेशन होगा सारा आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर जब भी आएंगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आपको क्लिक करना है और इंस्टाग्राम पर क्लिक करने के बाद आप अपने इंस्टाग्राम सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसे आप इंस्टाग्राम पर इस तरह से इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे ऐप मैनेजर में आने के बाद, तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, डाटा यूज का मिलेगा, नोटिफिकेशन का मिलेगा। सबसे पहले आपको स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और स्टोरेज पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको इस तरह से फर्स्ट में स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल स्टोरेज देख सकते हैं यहाँ से 675 MB है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डाटा क्लियर करना है, तभी आप अपने इंस्टाग्राम सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाटा क्लियर पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ से क्लियर कर देना है। करने के बाद इस तरह से आप अपने डाटा क्लियर कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। देख सकते हैं डाटा क्लियर हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ से 0 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम जो सेटिंग होता है, आपको अगर सेटिंग इधर उधर होने के हो जाता है तो आप इस तरह से अपने इंस्टाग्राम सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं जब भी आप इंस्टाग्राम पर आएंगे तो आपको इस तरह ये सेटिंग रीसेट हो जाएगा, और आपको आने के बाद इंस्टाग्राम पर देखिए आपको इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आप अपने इंस्टाग्राम सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको रीसेट करने से पहले आपको अपने पासवर्ड याद रखना है, तभी आप खोल पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इंस्टाग्राम खुल जाता है। तो फ्रेंड, मेरा फेसबुक से है तो इस तरह से मैं खोल लिया फिर से इंस्टाग्राम। सो फ्रेंड, आपको इंस्टाग्राम से सेटिंग रीसेट करने के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से रीसेट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गई, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं फिर से कोई नए वीडियो डाउनलोड कर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।